हमारे बच्चे मोटिवेट होकर आगे किसी अच्छे पद पर अपना पद को चुने। आज के सीकर अकेडमी शिक्षण संस्थान गोमावाली शिक्षा के मंदिर माँ सरस्वती के प्रांगण में जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम इस संस्थान के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जी ठाकुर साहब और हमारे क्षेत्र से जाय जन में किसान कौन के मजबूत नेता पशु मवेशी क्षेत्र के कर्णधार अति सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उर्मूल डेयरी चेयरमैन बीकानेर नोबरा जी ठाकुर साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में भूदान बोर्ड सदस्य राजस्थान सरकार सगदी मेघवाल साहब सचिव कांग्रेस कमेटी ब्लॉक छत्तीसगढ़ पर्यावरण जी सिद्धू साहब वरिष्ठ अनाज व्यापारी मंडी आर डी चार सौ बैस थोड़ा जी मूर साहब कुमार समाज से अध्यक्षता और 400 बैच के वरिष्ठ व्यापारी सुधाराम जी कुमार साहब कमांडर डिफेंस अकेडमी के संचालन करता मंडी आर डी चार सौ बैस युवाओं के प्रेरणा स्रोत कमांडर जीवराज सिंह शेखावत साहब सरपंच प्रतिनिधि घरवारा उनके पिता श्री बिरबल राम जी देवाल साहब भाटसर से सरपंच रामलाल जी नायक साहब बलोन जी बिदानिया साहब तकपुरा से राजाराम जी धतरवाल साहब भुगुलराम जी देतर साहब काफी लंबा चौड़ा पंचायत गोपीराम जी बेनीवाल साहब भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष किरातराम जी ठाकुर साहब यह सब दलित सम्मानित मंच और सामने विराजमान मोती से महंगे मेरे पिता तुझे बुजुर्ग युवा साथी और माताएं बहने और हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चे और बच्चों आप तमाम का सारा परिवार की तरफ से दिल की हृदय गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों इस कार्यक्रम में जिस प्रकार इस गोमावली ग्राम का प्रत्येक पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है इससे साबित होता है कि आने वाले समय में ये ग्रामीण स्कूलें सारी स्कूलों से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तभी बढ़ेगी तभी बाबा साहब के नाम लिया गया चाहे वो बाबा साहब मनसाराम जी बाबू साहब हो चाहे राजाराम जी धतरवाल साहब हो चाहे वो धुंधनाम जी केदर साहब हो चाहे वो लालचंद जी धाइल साहब हो चाहे वो जयपाल जी बाबू साहब हो चाहे वो राजाराम जी बाबू साहब हो बाबा साहब के रूप में आपको शिक्षा के प्रति अपना अहम योगदान देना चाहिए। साथियों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में हर एक कोई दान देता है लेकिन माँ सरस्वती इस शिक्षा के मंदिर में दिया गया दान अति महत्वपूर्ण दान होता है और वो अति महत्वपूर्ण दान इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा के मंदिर से ये तो प्रतिभा है ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा है ये निकल कर बड़े होदों की ओर अग्रसर होती है और ये अग्रसर तभी होगी जब हमें भामाशाह के रूप में शिक्षण संस्थानों को अपना अहम योगदान देना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रतिभाएं निकलेगी कोई कलेक्टर लगेगा कोई एसडीएम लगेगा कोई एसपी साहिबान लगेंगे कोई एसडीएम लगेगा कोई तहसीलदार लगेगा कोई आईएएस लगेगा कोई जेएएस लगेगा कोई पटवारी लगेगा जब ये लगेंगे तब अपने देश का विकास होगा अपने राज्य का विकास होगा अपनी तहसील का विकास होगा और अपनी पंचायत का विकास होगा और अपने गांव का विकास होगा। लेकिन ये तभी होगा अपने तन मन धन से शिक्षा के मंदिर माँ सरस्वती के प्रांगण में हम अपना दान स्वरूप अहम योगदान देंगे। आप यहाँ जो बच्चे अभी सम्मानित हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में या एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने बच्चे सम्मानित हो रहे हैं मैं सम्मानित होने वाले तमाम बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। लेकिन किसी कारणवश ये तो मासूम बच्चे सम्मानित होने से रह गए तुम्हें मेरा निवेदन कि उन्हें सीख लेने की जरूरत है। जो बच्चे सम्मानित हुए उन्होंने कितने घंटे शिक्षा के मंदिर में या शिक्षा में अपना योगदान दिया तो उन बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी अपना अहम योगदान उन सम्मानित बच्चों से सीख लें और आने वाले अगले वर्ष इसी वार्षिक उत्सव में वो बच्चे सम्मानित होने के लिए स्टेज पे जरूर आए। मैं ग्रामवासी गोमावली जितने भी यहाँ बुजुर्गगण बैठे हैं उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भामाशाह के रूप में आप अच्छा योगदान दे रहे हो जितनी आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा ओम प्रकाश जी जाकर सर है जितने भी अध्यापक है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है ये बच्चे जब घर पे आए
शाम को विक्टरी करना है। वास्तव में बच्चे शिक्षा ले रहे नहीं ले रहे, अध्यापकों के साथ साथ गार्जियनों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो शाम को सुबह सब भी टाइम मिले बच्चों को टैली जरूर ले। विशेष रूप से मेरी माताओं से निवेदन रहेगा, बड़ी बहनों से निवेदन रहेगा, जब भी बच्चे घर आए उनकी किताबें देखे, उनके कॉपियां देखे, होमवर्क तो करी है, साथ में शिक्षा को टैली करे कि नहीं करे, इसलिए आपकी भी दावेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। ओम प्रकाश जाकर प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान के और तमाम जितने भी अध्यापक हैं साथियों, वास्तव में इनका डेकोरम, इनकी लाइनअप अपने आप में काफी अच्छा है। इन मास्टरों ने जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं यही कहूंगा कि आपने बतौर मुख्य अतिथि या जितना भी विशिष्ट अतिथि है, इन सबको जो मान और सम्मान से नवाजा है, मैं तमाम जितने भी ग्रामवासी बैठे हैं, माता शक्ति बैठी है, मैं अतिथि गणों की तरफ से आपका दिल के हृदय के गहरे से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और दो नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, मुट्ठी मांगी करके जयकारा लगाना है ना, बच्चों विशेष लिया माता की, पीछे पिता तुम्हें गुर्जर आप और विशेष अतिथि आपसे भी निवेदन, आप ही माता की वंदे वंदे जय राम राम साहब। धन्यवाद श्री श्री राम जी, बहुत ही छोटे शब्दों में सारपूर्ण बात जो कही दिल को छू गई। आपके लिए दो लाइनें कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर उनका क्या कर लेगा वक्त जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। जी हाँ, वास्तव में श्री राम जी ऐसे ही हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो बच्चों को वाकई में सच्चा मोटिवेशन उन्होंने प्रदान किया।